माई न्यू फ्रेश व्लॉग। और आज के दिन बहुत ही इंटरटेनिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। कुछ देसी लेकर आने वाला हूँ इस व्लॉग में आप लोगों को। मेरे पीछे आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी मशीन्स की। तो जी हाँ, आज का व्लॉग होने जा रहा है कि हम गंदम जिसकी काश्त करने के बाद उसके जो दाने होते हैं वो मशीन से, थ्रेशर से कैसे बाहर निकाले जाते हैं। तो ओवरऑल आज का यही प्रोसेस जारी और सारी है। आप लोग देख सकते हो ये नीचे ये सारी गंदम इकट्ठी कर ली हुई है। बहरहाल ये हमारी नहीं है, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, कज़न्स हैं, उनकी है। और ये कश्मीर में कैसे ये प्रोसेस होता है, ओवरऑल जो गंदम के दाने वो कैसे निकाले जाते हैं, उनकी सफाई कैसे की जाती है, आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाला हूँ। और क्या होगा इस व्लॉग में देखते हैं आगे आगे चल के। लेकिन व्लॉग तो मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक करना शुरू कर दो, धड़ाधड़ कर दो, क्योंकि आज के व्लॉग में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कले दे कले तो गाइस अभी हमें लग चुकी है भूख। और ये अब रात प्रोसेस पीछे चल रहा है सारा, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और हम चाह रहे हैं कुछ खाने पीने। ये आप लोग देख सकते हो मेरे साथ दो बच्चे भी हैं। ये मशीन के मालिक हैं। किधर जा रहे हो? देखिए मशीन, ये बच्चे भी इधर ही थे। हम लोग इन्हें भी साथ लेके जा रहे हैं, इन्हें भी भूख लगी है तो इन्हें भी कुछ खिला पिला देंगे और खुद भी कुछ खा लेते हैं। तो हेल्पर यार मिलना पेशेंट क्या है भी क्या लाइक नहीं चाची आ गई। चाची
ਕੀ ਕਰੀ ਬਣਾਵੇ ਆ ਉਹ ਨੇ ਚਾਵੀ ਉਹ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਬਚਾਰੀ ਅਗਰ ਲਾਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ सो गाइज एक जगह से हम लोग फ्री हो चुके हैं और ये है मेरे साथ भाई जो कि ये ओवरऑल काम कर रहे हैं और अभी ये पीछे आप लोगों को गंदम दिखाई दे रही है। अभी इसकी प्रोसेस बाकी है लेकिन मुझे लगी ये भूख में चल रहा हूँ खाना खाने और मेरी कैमरे की बैटरी भी एंड हो चुकी है तो बैटरी चेंज करेंगे खाना खा के वापस आऊँगा और बाकी ये वाला प्रोसेस भी आप लोगों से शेयर करूँगा। आज का दिन बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग है और काफ़ी मज़ा आया और मैंने ट्रैक्टर भी चलाया जिसकी वीडियो मैं बीच में डाल के आप लोगों को दिखाऊँगा या फिर टिकटॉक पे मैं डाल दूँगा। बहरहाल अभी चलते हैं सीधा खाना खाते हैं और फिर वापस आता हूँ। और अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं ये जो कि मेरे रिलेटिव ही हैं ये भी उधर ही जा रहे हैं अभी इनकी गंदम की सफाई वगैरह हो रही है ना खड़ते हैं ना। और क्या हाल चाल हैं तुस्ते हैं हाल चाल है आओ जुला आओ। सो गाइस इस मरतबा यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं उस साइड पे नहीं जाऊँगा दूर दूर से ही आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। तो सो गाइस मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये जो ट्रैक्टर था ये अभी जा रहा है और ओवरऑल जो गंदम वगैरह की सफाई थी जितना भी प्रोसेस था वो इस जगह से कंप्लीट हो चुका है और ये आगे वाली जगह पर अभी जाएंगे। बहरहाल इनके साथ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है और काफ़ी ज़्यादा आज का दिन इंटरटेनिंग था और मज़ीद आगे क्या क्या होगा अभी रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगा लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें आप और वेट फिर वही बात है आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा लेकिन मैं थोड़ा सा अभी चलता हूँ किसी काम से तो वापस आके मिलता हूँ। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 8 और मैं आके दिन के टाइम पर फ्री हो के उसके बाद मैं सो गया था। असल में मैंने खा ली थी मकई की रोटी और साथ में लस्सी पी ली थी लस्सी पी ली थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आई है और मैं काफ़ी टाइम के लिए सो गया था। और अभी उठा हूँ तो थोड़ी देर पहले ही लाइट नहीं थी लाइट अभी आई है तो मैंने सोचा इस व्लॉग का इख्तिताम
अभी मैं कर लेता हूँ। सो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों को भरपूर एंटरटेन करने की कोशिश की, जगह जगह गया और जाकर जितना भी ओवरऑल देसी जो प्रोसेस था इस कश्मीर के गांव का वो आप लोगों को दिखाया। और इसके अलावा जो डांस वगैरह थी बीच में, डांस वगैरह थी वो भी काफ़ी मज़ेदार थी। मैं तो खैर बहुत ज़्यादा एंटरटेन हुआ आज के दिन में और आप लोग भी ज़रूर हुए होंगे। सो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, कल मिलेंगे इंशाल्लाह।